केरला स्टोरी। ये मूवी अब एक डिबेटेबल इश्यू बन गया है ऑल ओवर द इंडिया। ये वीडियो आप पूरी देखें तभी उसके बाद ही कोई प्रोस्पेक्टिव बनाना, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को ये लगे कि मैं इस वीडियो के थ्रू किसी की भी साइड लेने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखें और इस वीडियो को सबके साथ शेयर जरूर करें। मूवी आ रही है द केरला स्टोरी, जो 5 मई को रिलीज होने जा रही है। इसमें कि ये दिखाया गया है कि केरला में कैसे हिंदू एंड क्रिश्चियन लड़कियों का रिलीजियस कन्वर्जन करके उन्हें इराक, सीरिया जैसे स्टेट्स में जहां पर ISIS जैसे टेररिस्ट ग्रुप है को बेच दिया जाता है, वहां उन्हें ऐसा सेक्स स्लेव बनाया जाता है जिसके बाद उनसे बच्चे पैदा करवाकर उन्हें भी ISIS ज्वाइन करवा रहे हैं। इस मूवी को ट्रू मूवी होना बताया गया है। अब ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि 2009 के टाइम पर कम्युनिस्ट पार्टी के जो CM थे उन्होंने भी इसके बारे में सेम प्रोस्पेक्टिव रखा और काफी न्यूज़पेपर्स ने भी ये सेम चीज बताई, जिस पर अब ये बहस चढ़ गई है कि ये मूवी सिर्फ एक प्रोपोगेंडा है जो कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को डिफेम करने के लिए बनाई गई। इसके बाद इस मूवी पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई इंटरिम ऑर्डर पास करने से मना करते हुए कहा कि आप डायरेक्टली हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट आने जैसी कोई अर्जेंसी नहीं है। इसके बाद केरला हाई कोर्ट को अप्रोच किया गया पिटिशनर के थ्रू, जिस पे हाई कोर्ट ने भी अपना पॉइंट क्लियर करते हुए कहा कि ऐसी पिटिशन जो कि द केरला स्टोरी के अगेंस्ट लाई गई है वो सिर्फ इनको अननेसेसरी पब्लिसिटी देगी। फॉलो लॉ शास्त्रा फॉर मोर लीगल अपडेट्स एंड टिप्स एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। थैंक यू।